जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद में हम अपनी मोबाइल बैंकिंग को कैसे शुरू कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और हमें बैंक जाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक करा हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद में बिना ब्रांच जाए अपने आप मोबाइल बैंकिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय पर आपसे एक टोकन नंबर मांगा जाता है जो आपको बैंक ही प्रोवाइड कराती है। वो टोकन नंबर आपको घर बैठे ही कैसे मिलेगा, साथ ही में दोस्तों आपको पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से मोबाइल बैंकिंग में ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। आपको मोबाइल बैंकिंग में वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा, साथ में दोस्तों फिजिकल डेबिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, यह पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो काफी आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है अगर आपने पंजाब एंड सिंध बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया है और अपना मोबाइल बैंकिंग को शुरू करना चाहते हो। इसके लिए दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा बैंकिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक पंजाब एंड सिंध बैंक में अपना जीरो बैलेंस का अकाउंट नहीं ओपन किया है, या फिर दोस्तों जो हम आपको अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बता रहे हैं इस अकाउंट का बेनिफिट के बारे में, फीचर्स के बारे में, एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में, अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो इन दोनों वीडियोज के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में पंजाब एंड सिंध के मोबाइल बैंकिंग को शुरू करने के लिए आप इस पेज पर विजिट करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिटेल बैंकिंग के ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे, रिटेल अकाउंट मिलेगा, नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइम आप यहां पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे दोस्तों आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप अपना इस कॉलम में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कस्टमर आईडी को टाइप करेंगे, अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, ईमेल आईडी को टाइप करेंगे और नीचे दोस्तों देख सकते हैं आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, देन कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनली इसके बाद में आपके लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी दोस्तों आप देख सकते हैं इन कॉलम में आपको फिल कर देना है। इसके बाद में पेज आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको नीचे देखने को मिल रहा है, जहां पर आई बना हुआ है इन्फॉर्मेशन टोकन प्रेजेंट। अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि आप अगर आप मोबाइल बैंकिंग जो शुरू कर रहे हैं वो आप अपने टोकन नंबर से सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर अपने डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बता दें कि फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अकाउंट ओपन करते हैं उससे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको डेबिट कार्ड फिजिकल के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोकन नंबर ये कैसे मिलेगा? तो दोस्तों जो आप जब आप अकाउंट अपना ऑनलाइन ओपन करते हैं तो ईमेल के द्वारा आपकी बैंक की डिटेल आपको भेजी जाती है। उस पीडीएफ को आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको टोकन नंबर देखने को मिल जाएगा। अब ये टोकन नंबर आपको नोट करके रख लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख सकते हो डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, बैंक टोकन का ऑप्शन है, तो बैंक टोकन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पर क्लिक किया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर बैंक टोकन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ओपन हो जाएगा। देन बैंक टोकन दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद में नीचे एक आपके सामने एक कॉलम ओपन हो जाएगा। अब इस कॉलम में दोस्तों आपको अपना टोकन नंबर को फिल कर देना है और जैसे दोस्तों टोकन नंबर टाइप करने के बाद में नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे सेट लॉगिन क्रेडेंशियल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर सेट यूज़र नेम आपको देखने को मिलेगा। तो इस कॉलम में आप अपना जो भी यूज़र नेम रखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर लॉगिन करना चाहते हैं अपनी मोबाइल बैंकिंग को, वो दोस्तों यूज़र नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे दोस्तों आप चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि आपका यूज़र नेम अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नीचे देखेंगे आपको सेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहां पर जो भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो पासवर्ड पहले वाले कॉलम में टाइप करेंगे। इसके बाद में दूसरे वाले कॉलम में पासवर्ड को एक बार फिर से टाइप करेंगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी आपकी पहले से मिल जाएगी। जब आपने अकाउंट ओपन किया था तो वहाँ पर हमने यूपीआई आईडी को क्रिएट करना भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी यूपीआई आईडी भी मिल जाएगी। इसके बाद में आप नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सेट एमपीआईएन का ऑप्शन मिलेगा, तो पहले वाले कॉलम में एमपीआईएन को टाइप करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में एक बार फिर से आप एमपीआईएन को टाइप करेंगे
और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं सेट टी पिन आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले वाले कॉलम में अपना जो भी सेट पिन रखना चाहते हैं टाइप करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में भी आप सेट टी पिन को टाइप करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका सक्सेसफुल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं फंटास्टिंग लेकर आ चुका है और हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है क्योंकि हम यहाँ से लॉगिन नहीं करेंगे। अब पंजाब एंड सिंध बैंक में ही इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हम लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों प्ले स्टोर ओपन करेंगे, PSB यूनिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। देन डाउनलोड करने के बाद में इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे। उसके बाद में कुछ यहाँ पर परमिशंस आपसे मांगी जाएंगी, तो जितनी भी परमिशंस आएँ सभी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपकी डिवाइस को स्कैन करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप यहां पर एक बार क्लिक करेंगे और अपनी डिवाइस की इंफॉर्मेशन डेटा यहां पर डिटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे रिटेल्ड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और यहां पर सेंड SMS के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने सिम सेलेक्ट करना होगा आपको। इसके बाद में प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो आपने जो अभी यूज़र नेम पासवर्ड को सेट किया है वो डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की मोबाइल बैंकिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों आपको यहां पर अपना अकाउंट नंबर मिल जाएगा, साथ ही आपका बैलेंस जो होगा वो यहां पर बैलेंस दिखाया जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों आप अपनी मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप वर्चुअल कार्ड भी अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे देखेंगे माई कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से कोई भी दोस्तों आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर वर्चुअल कार्ड तुरंत आपको देखने को मिल जाता है। अब नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर डोमेस्टिक यूजर्स के ऑप्शन को एनेबल करना होगा, इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड की जाएगी। वो OTP दोस्तों इन कॉलम में आपको फिल कर देना है और इसके बाद में कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका कार्ड यहाँ पर इस तरीके से सक्सेसफुल डोमेस्टिक एनेबल हो जाएगी। होम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से आप अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हो तो इसे भी आप एनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड दोस्तों अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करना होगा, तभी आपको मिलेगा। सो अगर आप एक पंजाब एंड सिंध बैंक में अपना फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इस तरीके से पंजाब एंड सिंध बैंक की मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, देन वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी। सो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।